Good morning, students. Am I audible to you all? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Okay, nice to hear you all. And we'll wait for a few minutes and let the students join this online presentation on AECC. And after 2 minutes, 2 to 3 minutes, I may start the formal discussion and presentation on Swachh Bharat Abhiyan, Swachh Campus, and necessity of having this concept amongst the youth of our country and students of our university in particular. So as per the record, around 76 students and participants, they have joined. We'll wait for one more minute and then formally we may start. ठीक है, समय हमारा हो चुका है और हम लोग AECC 1 के लिए जो आज का निर्धारित क्लास है और जो विषय है स्वच्छ भारत अभियान, उसके संदर्भ में हम सभी बातचीत करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करने का प्रयास हमारा होगा, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जिसमें युवाओं को बहुत प्रमुखता के साथ अपना योगदान देना है। जैसा आप लोगों ने अपने शेड्यूल में देखा होगा कि आज का विषय स्वच्छ भारत अभियान और उससे संबंधित जो हमारे टॉपिक्स हैं उसी पे आधारित है। और विषय को प्रस्तुत करने से पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय मैं खुद अपना देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरा नाम अतुल आदित्य पांडे है और वर्तमान में मैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हेड हूं और साथ ही साथ एक लंबे समय तक मैंने 2015 से अभी पिछले 2-4 दिनों पहले तक NSS नेशनल सर्विस स्कीम या जिसे हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं, ये युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित इकाई है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये इकाई विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर समाज के बेहतर होने के लिए कार्य करती है। तो आई हैव वर्क्ड अ लॉट विद द स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। And there were different missions in which the students of our university they have participated. और आज के इस लेक्चर में मुझे आमंत्रित किया है मेरे इन्हीं अनुभव को देखते हुए कि स्वच्छ भारत अभियान से हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी कुछ उनका प्रोत्साहन करें और उनके विषय में उनके साथ हमारी कुछ बातचीत हो। So along with my association with the National Service Scheme, I have been associated with the cultural activities of the university, as well as I have taken up a few of the projects related to Swachh Bharat Abhiyan or rural development or maybe cleanliness of the rivers of our state
गंगा इन पर्टिकुलर, तो ये सब हमारे कुछ अनुभव हैं और हम चाहते हैं कि विद्यार्थीगण हमारे इस अनुभव से मुखातिब हों और जो उनके लिए टॉपिक्स निर्धारित है उनकी समझ बूझ उसमें बढ़े। देखिए, आज का ये विषय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जहाँ पूरी दुनिया अभी महामारी के साथ लड़ रही है और उसके साथ संघर्ष कर रही है, उसमें भी स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, क्योंकि स्वच्छता स्वच्छता यानी हाइजीन, सैनिटेशन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर दृष्टिकोण से हमारे लिए वो उपयुक्त है। और इस महामारी में भी हमें स्वच्छता का संदेश जानना है, समाज को जागृत करना है, परिवार में भी इसके विषय में चर्चा करनी है, आस पड़ोस में भी इसके विषय में चर्चा करनी है और एक सार्थक योगदान हमें देना है। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा उसको मैंने दो या तीन सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला, तो क्योंकि ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो हमें देखना ये होगा कि भारत गणराज्य में स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना कैसे हुई, स्वच्छ भारत अभियान में कौन कौन से बिंदु पे काम करने का विचार किया गया, और फर्स्ट फेज, अगर हम 5 साल का फर्स्ट फेज मानते हो, देन वी हैव टू इवैल्यूएट दैट हाउ फार वी हैव सक्सीडेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। ये एक पक्ष होगा। दूसरा पक्ष ये होगा कि स्वच्छता का सीधा संपर्क हमारे हाइजीन और सैनिटेशन के साथ है, और ये मुहिम जो स्वच्छता का शुरू किया गया उसका मूल उद्देश्य भी यही था कि जो हम बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना है, वहाँ स्वच्छता बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये हमारा स्वच्छता का हाइजीन और सैनिटेशन और पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा पक्ष होगा प्रस्तुति का, वो होगा स्वच्छ कैंपस, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इम्प्लॉयज हों, हमको अपने कैंपस को भी उतना ही स्वच्छ रखना है, क्योंकि हम जिस प्रकार अपने घर परिवार में स्वच्छता के विषय में सोचते हैं, वैसे ही हमारा कैंपस भी हमारा घर है, और वहां भी स्वच्छता के नियमों को हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। तो ये तीन पक्ष हो गए हमारे पहले प्रेजेंटेशन के। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे UBA, जिसको हम लोग बोलते हैं उन्नत भारत अभियान। ये उन्नत भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब तो वो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के रूप में कार्यरत है। तो उन्नत भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के विद्यार्थी ग्रामीण समुदाय से जुड़कर उनके बेहतरी के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि हमारे पटना विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने, जो विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ गांव एडॉप्ट किए गए, जिसे गोद लिया गया, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ काम किया है और स्वच्छता के विषय में जागरूकता के लिए जो कुछ छोटे छोटे कुछ एक्सरसाइज हुए हैं उससे मैं आप सबों को परिचित कराऊंगा। तो यही हमारा उद्देश्य है, और आज की प्रस्तुति में हम चाहेंगे कि आप लोग ध्यान केंद्रित करके और मेरी बातों को सुने समझें, क्योंकि विषय तो ये सामान्य है। आप भी स्वच्छता के विषय में जानते हैं, उसकी महत्ता के बारे में जानते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से हम लोग यहाँ बैठे हैं कि घंटे डेढ़ घंटे हम लोग गंभीरता के साथ इस विषय के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो अब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अपनी प्रस्तुति स्वच्छ भारत अभियान को शुरू करूंगा। और स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक और निर्देश है, क्योंकि हम जहां बैठे हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से ये हम लोग कनेक्ट हुए हैं,
अगर कभी बीच में बिजली चली जाती हो या नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता हो तो आप लोग रुकेंगे, हम लोग फिर से रीकनेक्ट करेंगे या पावर के लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। ये प्रेजेंटेशन में स्क्रीन अगर आप सबों को दिख रहा हो तो कोई एक विद्यार्थी कह दे कि हाँ नजर आ रहा है तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यस सर, इट इज नजर आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो एज यू कैन सी दैट टुडेज टॉपिक इज स्वच्छ भारत अभियान एंड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माय सेल्फ, आई एम प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी। इसको मैं चेंज करता हूँ। ये जो लोगो है दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वेल नोन लोगो एंड यू कैन सी दैट स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, और ये जो चश्मा है ये यूनिक चश्मा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सिंबलाइज करता है, और बीच में आप देख रहे होंगे कि हमारे तिरंगे का ये कलर्स लिया हुआ है। तो महात्मा गांधी और स्वच्छता, हम लोग बचपन से इन चीज़ों को सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और उनसे प्रभावित हुए हैं, और अपने जीवन में और समाज में स्वच्छता के प्रति महात्मा गांधी की क्या सोच थी, आपने उनके बचपन की बात, बचपन में उनके जो एक्टिविटीज हैं उनको आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वो अपने जो वॉशरूम है, उनके जो शौचालय हैं, वो खुद महात्मा गांधी उसे साफ किया करते थे, अपने परिवार में अपने लोगों से भी उसे जागरूक किया करते थे और प्रोत्साहित किया करते थे, और उनका ये मानना था कि स्वच्छता से हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं, स्वच्छता से हम स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और जब तक हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम देश के लिए काम नहीं कर सकते। तो ये स्वच्छ भारत का लोगो हम लोग सभी देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। स्वच्छ भारत अभियान, उसे शॉर्ट में हम लोग SBA स्वच्छ भारत मिशन के रूप में SBM भी कहते हैं, और पहले इसे क्लीन इंडिया मिशन के रूप में भी जाना जाता था। एंड एज यू कैन सी दैट स्वच्छ भारत अभियान इज ए नेशन वाइड कैंपेन इन इंडिया दैट एम्स टू क्लीन अप द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सिटीज, स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज। बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे समय समय पर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाता है, और उसमें राज्य को, शहर को या कभी कभी संस्थान को ये इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि वो कितना स्वच्छ है। तो आपने देखा होगा कि अभी हम लोग पायदान में काफी नीचे हैं, पटना शहर भी काफी नीचे है, इंदौर काफी ऊंचा है। मुझे याद आता है कि इंदौर का शहर इस लिस्ट में सबसे ऊपर है स्वच्छता के मामले में। यानी अगर अपने शहर की स्थिति को देखें और उसकी वस्तुति स्थिति को देखें तो ये आज का प्रेजेंटेशन और हमारे स्टूडेंट्स का योगदान और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन, इट इज अ नेशन वाइड कैंपेन। इनिशियली इट वॉज फॉर द पीरियड 2014-2019, 5 वर्षों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन 2nd of October 2014 एट राजघाट न्यू दिल्ली बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने ये स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था, और 2 अक्टूबर का दिन भी क्यों चुना गया इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। ये जो 5 वर्षों का स्वच्छ भारत अभियान जो प्रारंभ किया गया, उस मिशन 2 बिंदुओं पर काफी जोर दे रहा है। पहला है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण या रूरल, और ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत, और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान
which operates under the Ministry of Housing and Urban Affairs. तो पेयजल की स्वच्छता की ग्रामीण क्षेत्र में जो बात करते हैं उसे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन देखेगा, देख रहा है राधे, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग के चीज़ों को देखा मिनिस्ट्री देख रही है। आप लोग भी पटना शहर में या जो हमारे साथ ही दूसरे शहरों से हैं आप देख रहे होंगे कि इधर कुछ वर्षों में, अब जैसे अभी पटना नगर निगम में आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से कि कचरा उठाने वाले गाड़ी अभी बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उसमें गाने बजते हैं और आपको प्रेरित किया जाता है कि आप जैसे ही वो गाड़ी आपके पास आती है आप अपने घर के कचरों को सड़क पे न फेंकें, उस वैन में आप डालें, गाड़ी वाला आया कचरा, ये सब आप जानते होंगे। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही ये अर्बन अफेयर्स और नगर निगम के साथ मिलकर ये काम हो रहा है। भारतवर्ष में और खास करके भारतवर्ष के गांवों में ये जो खुले में शौच करने की जो एक सामाजिक कुप्रथा हमारे यहाँ चाहे जिस कारण से हो वो उचित नहीं थी, उस पर पूरी दुनिया में और भी कई देश हैं जहाँ पे ये प्रथा है, लेकिन उसको जल्द से जल्द समाप्त करने की बात है। और स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला मुख्य मुद्दा है कि हमें ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच करने की जो बात है उससे भारतवर्ष को मुक्त होना है। और 2019 में महात्मा गांधी के 150वें जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने भारत के बहुत बड़े इलाके में इसकी घोषणा की है कि सरकार के और जनमानस के अथक प्रयास के साथ ये जो शौचालय जो खुले में शौच की जो बात है उससे हमने कुछ हासिल किया है। और जब ये 2014 में ये मिशन शुरू हुआ तो इट एम्ड टू कंस्ट्रक्ट अराउंड 90 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 90 को 10 लाख से आप अगर गुणा कर देते हैं आप उतनी संख्या को ग्रामीण शहरों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उतने शौचालय बनने की बात। और उसमें अच्छी खासी लागत भी है, शुरू में 2014 में एज यू कैन सी अराउंड 1.96 लाख करोड़ ऑफ रुपीज वाज ईयरमार्क फॉर द ODF दैट इज ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया। एंड व्हेन वी डिक्लेयर एंड व्हेन वी स्ट्राइव फॉर दिस ओपन डिफिकेशन फ्री द मिशन विल कंट्रीब्यूट टू इंडिया रीचिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की ओर, सतत विकास की ओर भारतवर्ष के बढ़ने में ये ODF का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि विश्व में जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ है या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका भी सपोर्ट हम लोगों को भारतवर्ष को भी मिल रहा है। जब हम लोग ओपन डेफिकेशन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ और भी कुछ सामाजिक मुद्दे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला तो हम लोगों ने चर्चा किया ही कि एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच से पूरी तरह से मुक्ति। नंबर टू, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये तो एक सामाजिक ऐसी चीज है, आप याद करेंगे या गाँव में या शहरों में भी आज से कुछ वर्ष पहले शौचालय में जिस प्रकार से मानव लोगों को शामिल होना पड़ता था वहाँ के कचरे को और गंदगी को हटाने के लिए, तो ये मानव और समाज ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हर तरह से वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसको भी इरेडिकेट करता है। देन व्हेन वी गो इन फॉर दीज प्रोसेसेस तो स्वच्छ भारत मिशन का एक और ऑब्जेक्टिव है टू इफेक्ट बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, हमारे आचरण में बदलाव होना चाहिए और हमें हाइजीन और सैनिटेशन की तरफ ध्यान प्रवर्तित करने में उसका योगदान होगा, और अगर हम उसमें सम्मिलित होते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। चौथा पॉइंट है मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप देखते होंगे अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि इधर पिछले कुछ वर्षों से जो भी कचरे निकल रहे हैं उसे हम कहीं ऐसे ही जा करके डंप नहीं कर देंगे,
अगर कहीं डंप करते हैं तो वो भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमें हानि पहुंचाता है। तो उस पे अभी बहुत रिसर्च भी हो रहा है कि हम सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन किस प्रकार करें कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, और उसमें भी हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज स्वच्छ भारत अभियान, इट जेनरेट अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन एंड इट्स लिंकेज विथ पब्लिक हेल्थ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं वो जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जनमानस को स्वास्थ्य के प्रति और अधिक प्रेरित करने के लिए हमें स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो चीजें हैं उस पर विचार विमर्श करना है। और जब स्वच्छ भारत मिशन और अभियान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आर्थिक और सामाजिक और जो प्रशासनिक चीजें हैं उसका भी योगदान होगा। तो उसमें अर्बन लोकल बॉडीज जैसे पटना में हमारा पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उनकी जो क्षमता है उनकी क्षमता को भी हमें बढ़ाना है। वो क्षमता आर्थिक मदद से होगी, वो क्षमता उनको सपोर्ट करके होगी, वो क्षमता जब पब्लिक में कॉन्शियसनेस आएगा तो पब्लिक के माध्यम से भी उनको सपोर्ट मिलेगा। और जो सातवां बिंदु है कि स्वच्छ भारत अभियान इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स एन इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर हमारे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उनको भी पर्यावरण के सुरक्षा के संदर्भ में उनकी जो भी आमदनी है, उनका जो भी आय है, उनको भी इसमें शामिल करना है और उन्हें भी पर्यावरण के रख रखाव में अपना योगदान, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हो या वो ऑपरेशन या मेंटेनेंस के संदर्भ में हो, दोनों रूप में उन जो प्राइवेट संस्थान है उनको इससे जुड़ना है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट 6-7 ऑब्जेक्टिव हैं। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये स्वच्छ भारत अभियान के विषय में हम लोगों को जानना है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में बिहार के लोग नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। नील सत्याग्रह और आगे दांडी मार्च और बहुत सारे सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब अपनी बातों को इस प्रकार रखना जहां अहिंसा के साथ हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए इसका हेडिंग है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। तो हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो जैसे सत्याग्रह के मिशन में हमने आजादी के समय इसको इस्तेमाल किया, लोगों को मोटिवेट किया और हमने कामयाबी हासिल की, उसी तरह से स्वच्छाग्रह भी हमारा वही उद्देश्य है। और देखिए ये पार्ट हमारे लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दैट एज पार्ट ऑफ द कैंपेन वॉलंटियर्स कोई भी हो सकता है, ग्रामीण युवा हो सकते हैं, शहर के युवा हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हो सकता है। वॉलंटियर्स नोन एज स्वच्छाग्रही और एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनलीनेस। आप अगर किसी, मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के छात्र हों, पॉलिटिकल साइंस के छात्र हों या फिजिक्स के हों, बॉटनी जियोलॉजी के हों, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे वर्ग के विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों को जिनके अंदर वो उत्सुकता है, जो प्रोत्साहन है, जो उत्साह है कि वो अपने कैंपस के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए क्लीनलीनेस के संदर्भ में क्या सोचते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वच्छाग्रही और एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनलीनेस हैव प्रमोटेड इनडोर प्लम्बिंग एंड कम्युनिटी अप्रोचेस टू सैनिटेशन एट द विलेज लेवल। जैसा हमने आपको बताया, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी हमारे रूरल स्टडीज के किस प्रकार पटना में आसपास 2-4 गांवों में गए थे 1-2 साल पूर्व और कैसे स्वच्छता और सैनिटेशन के बारे में उन लोगों ने ग्रामीण समुदाय को प्रेरित किया। अब जब हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो मुख्य बिंदु तो मैंने आपको बताया ही, उसको थोड़ा सा अगर हम समराइज कर दें फिर से, हाउस होल्ड टॉयलेट्स इंक्लूडिंग कन्वर्शन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स इनटू पोर फ्लश लैट्रिन्स। बहुत सारे मकान में जो पुराने हैं या गांव में हैं वहां पे नई तकनीक के साथ शौचालय बनना है,
कम्युनिटी शौचालय आपने भी देखा होगा का निर्माण हुआ है, और सामुदायिक शौचालय के इस्तेमाल हो जाने से शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि जगहों पे लोगों को सुविधा हुई है। लेकिन देखिए, मैं इसको कहने में तनिक भी हिचक नहीं है और मुझे शर्म भी नहीं, शर्म आती भी है, लेकिन मैं क्या कर सकते हैं। बिहार वासियों और पटना वासियों के लिए खास करके, हम जो ओपन कम्युनिटी टॉयलेट्स होने के बावजूद भी अपने को हम कहीं भी फ्री कर सकते हैं, कर लेते हैं, ये यहाँ के कल्चर को कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित करता है। तो पब्लिक टॉयलेट्स आर बीइंग मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात की। पब्लिक अवेयरनेस, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। और इसमें भी जो एनसीसी के हमारे कैडेट्स हैं, जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, पब्लिक अवेयरनेस आपका एक सार्थक उठाया गया कदम भी देश को स्वच्छता के विषय में आगे ले जाने में आपका योगदान है। इसीलिए देखिए, अगर स्वच्छ भारत अभियान में आप सम्मिलित होते हैं तो आप ऐसा न समझिए कि मैं अकेले स्वच्छता के विषय में क्या कर लूंगा। आप अगर अपने कक्षा को, आप अपने डिपार्टमेंट को, आप अपने घर को, आप अपने आसपास को थोड़ा सा भी अगर परिष्कृत करने में प्रयास करते हैं, वो देश के स्वच्छ भारत अभियान में आपके योगदान को बहुत ही सार्थक माना जाएगा। और उस तरह से आप कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उन चीजों को, स्वच्छता के विषय में जो एक्सपेंसेस होंगे उसका तो योगदान है ही है। ओपन डिफिकेशन के बारे में हमने बात की। सीवेज कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप जब हम खुले में शौच की बात करते हैं तो उससे जल प्रभावित होता है। जल प्रभावित होने से हमारे पेयजल प्रभावित होते हैं, हमारे जो दिनचर्या के लिए उपलब्ध पानी है, स्नान ध्यान के लिए जो पानी है वो प्रदूषित होता है, और वो एक स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए सामने आता है। इसलिए खुले में शौच की बात तो हम लोगों को बिल्कुल समाप्त करनी है, और काफी हद तक हम लोगों ने आगे उसमें अपना योगदान दिया है। 2014 में जब ये ओपन डिफिकेशन वाली बात हो रही थी, तो इंडिया, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत अधिक है, तो इंडिया में उसकी जो संख्या थी वो पूरे दुनिया में बहुत बहुत अधिक रही है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान की बात हम लोग कर रहे हैं 2014 से, ऐसा नहीं कि पूर्व में भी सरकार के द्वारा इस तरह का कुछ काम नहीं किया गया, लेकिन एक सघन अभियान, मैसिव मैसिव वे में हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं वो 2014 की बात है। वैसे आप देखें 2000 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम एंड लॉन्च द टोटल सैनिटेशन कैंपेन विच वॉज रीनेम्ड इन अप्रैल 2012 एज निर्मल भारत अभियान। फिर 2014 में उसी निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में नया नाम दिया गया, और भारत सरकार ने जो सीपीडब्ल्यू है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, विद दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी ऑफिसेज। कैसे कार्यालय में जो कचरा है, कार्यालय में जो गंदगी है, उसके मैनेजमेंट के लिए सीपीडब्ल्यूडी को जिम्मेवारी दी गई। अभी तो कोरोना के कारण रेलवे की यात्रा बहुत लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं हो रही है, लेकिन आप कुछ दिनों पहले की बात देखिए या याद कीजिए, या अभी भी आप जो लोग यात्रा कर रहे होंगे, रेलवे ने अपने टॉयलेट्स को कन्वर्ट किया है बायो टॉयलेट में, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे बोगीज में, रेलवे गेस्ट हाउसेज में, रेलवे जो हमारे प्रतीक्षालय हैं, वेटिंग हॉल में, वहाँ स्वच्छता के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, और खास करके जो टॉयलेट हैं उसके मेंटेनेंस के लिए अभी बदलाव नजर आता है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ अगर हमारे युवा, हमारे साथी जानते होंगे, देर इज अनदर प्रोग्राम जो आईटी मिनिस्ट्री का है, दैट इज डिजिटल इंडिया। एंड डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट इन कंजंक्शन विद स्वच्छ भारत अभियान टू हैव सोलर पावर्ड ट्रैश कैंस विच विल सेंड अलर्ट टू सैनिटेशन क्रू वंस दे आर फुल।
कैसे स्वच्छता के विषय में आईटी भी काम कर रहा है। मान लीजिए एक कोई कंटेनर है और यहाँ जीआईएस और जीपीएस की भी बात होती है, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ऐसी ही प्रक्रिया कई शहरों में चल रही है और यहाँ भी ये प्रारंभ होगा, बिहार में भी कुछ जगहों पे, कि मान लीजिए जो कचरे फेंकने के लिए स्थान है वो कचरा फेंकने का स्थान अगर फुल हो गया, तो फिर फुल हो गया तो वहां पे कचरा तो फेंका नहीं जा सकता, तो उसको वहां से खाली करना है तो कैसे खाली होगा, उसमें सेंसर लगा रहेगा, वो सेंसर सीधा जो मॉनिटर कर रहे हैं उनको अलर्ट देगा और वो अलर्ट से पता चल जाएगा कि मान लीजिए पटना साइंस कॉलेज के आसपास जो कचरे फेंकने के लिए जगह थी तो वो पूरा भर चुका है, वहां अतिरिक्त स्थान नहीं है, वो सेंसर बताया और कॉरपोरेशन के लोग और दूसरे संगठन के लोग आए वहां से कचरा उखाड़ के ले गए और फिर वहां से आप अपने मेंटेनेंस के लिए कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का योगदान स्वच्छ भारत अभियान में भी है, वो एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए पूर्व में हम लोग बात कर ही चुके, इट रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशन, सैनिटेशन की जब बात होगी, रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड सीवेज, गंदे गंदे नाले का पानी या जो मैला है, शौच है, ऐसे ही खुले में परेशान करता है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, तो उसको उचित ध्यान देना है, और हैंड वॉशिंग। अभी तो हम लोग कोरोना के कारण लगातार घंटे दो घंटे पे हाथ धोने की बात को जागरूकता के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया है, लेकिन ऐसे भी आप देखेंगे कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या स्वास्थ्य से जुड़े लोग ऐसा मानते हैं कि हाथ की गंदगी से ही आप चाहे खाने के समय या पानी पीने के समय जब शरीर में कीटाणु जाते हैं तब आपकी तबीयत और स्वास्थ्य आपका बिगड़ता है। तो इफ यू कीप योर माउथ एंड योर हैंड्स क्लीन देन यू आर प्रोटेक्टेड विथ मेनी ऑफ द डिजीजेस विच अल्टीमेटली दे अफेक्ट एनी पॉपुलेशन। तो हाथ धोने की प्रक्रिया हमारे युवाओं को इसको आदत लगानी चाहिए और उसके बाद अपने घरों में भी इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये एक बड़ा जन साधारण सा ये एटीट्यूड है, हम कहीं बैठे हैं कुछ खाने की के सामने हमारे लिए दिया गया या बाजारों में भी हम उसी हाथ से तुरंत खा लेते हैं, वो जो हमारा हाथ है वो सैनिटाइज है कि नहीं है, स्वच्छ है कि नहीं है, और खाने के साथ आप जीवाणु कीटाणु को भी आप इंगल्फ कर जाते हैं और चाहे तो आपका डाइजेशन खराब होता है, डायरिया डिसेंट्री के आप शिकार होते हैं या फिर और भी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। सैनिटेशन सिस्टम एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट दैट विल स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को के रोकथाम के लिए भी ये प्रैक्टिसेस हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे देखिए डायरिया, कॉलेरा, एस्कैरियासिस, हेपाटाइटिस, किस्टोसोमियासिस, ट्रैकोमा, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगर एक सैनिटेशन जो शुद्ध शुद्धता के साथ अगर हम लोग जीवन व्यतीत करते हों तो उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके विषय में तो हम लोगों ने बात किया ही है कि बिहेवियर चेंज ग्रास रूट लेवल पर स्वच्छ भारत अभियान करता है इस और कैपेसिटी हमारी बढ़ाता है, और हम लोग संगठन जो हमारे हैं चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, कोई अलग संस्थान हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, मंत्रालय हो, उन लोगों की भी जिम्मेवारी है कि वो लोग इसमें अपना योगदान दें और इसमें बिहेवियरल चेंज के लिए प्रयासरत रहें। और ये केवल केंद्रीय स्तर से नहीं हो सकता है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, और इन सभी से ऊपर जो बिहेवियर का जो हमारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, व्यवहार किसका, व्यवहार कम्युनिटी का, समुदाय का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक लोग हों या फिर हम लोग अपने जो शहरी क्षेत्र के लोग हों उसके बारे में सोचते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के जो सीधी तौर पे आबादी, स्वच्छता,
स्वास्थ्य संगठन इत्यादि की बात तो हुई ही, स्वच्छ भारत मिशन को जब हमारा देश यहाँ उसके विषय में कार्य कर रहा है तो उससे टूरिज्म पर्यटन को भी बहुत ही मदद मिलती है और ये इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी इजाफा होता है। अभी तो कोरोना के कारण जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन आप सोचिए बहुत बार आप ऐसी जगहों पे जाना पसंद करेंगे जो बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो, आपके मन मिजाज को और बेहतर करता हो, तो उसके लिए स्वच्छता चाहिए। तो अगर स्वच्छ माहौल आप बनाते हैं तो पर्यटन में आपका विकास होता है, पर्यटन में विकास होता है तो आपकी आर्थिक रूप से भी देश आगे बढ़ता है, राज्य आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। और अनहाइजीनिक कंडीशन अगर होता है तो उससे तो बीमारी ही होती है और हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीनिक कंडीशन एंड लैक ऑफ क्लीनलीनेस देर इज लॉस ऑफ अराउंड ₹6,500 ये करोड़ के हिसाब से है एवरी ईयर। ये टोटल की बात है, ये भारतवर्ष की जो आबादी है उसमें लगभग 6,500-7,000 रुपये के हिसाब से, यहाँ तो अभी आर्थिक रूप से हम संपन्न उतने हैं नहीं और उसमें भी स्वास्थ्य के ऊपर हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो हमारे आर्थिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी ये प्रभावित करता है। और देखिए जो लास्ट में ये लाइन लिखा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, भगवान के करीब लाने, चाहे जिस भी मजहब की बात हम करते हों हर जगह स्वच्छता की बात होती है और वो भी एक जरिया है हम अपने सुप्रीम पावर के पास पहुंचने के लिए। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट माय प्रेजेंटेशन ऑन स्वच्छ भारत अभियान, आई टोल्ड यू दैट इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 different segments। सो द फर्स्ट सेगमेंट इज ओवर वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, the launching of Swachh Bharat Mission, and how the government agencies, whether the ministry means drinking water and sanitation, or urban affairs and rural, urban development, or how different ministries they are working on it. Now we are going to start the second segment of Swachh Bharat Abhiyan, aur ye hamare liye जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इम्प्लॉयज, रिसर्च स्कॉलर्स, हमें अपने परिसर को भी स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ रखना है। द स्वच्छ कैंपस इनिशिएटिव इनविसेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज मिरर्स the principles of green institution। हमें अपने कैंपस को हरा भरा बनाना है। ग्रीन इंस्टीट्यूशन, हरा भरा कहने का मतलब इट इज नॉट ओनली दैट प्लांटेशन ड्राइव इज टू बी टेकन अप अलॉन्ग विद द प्लांटेशन ड्राइव। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन इंस्टीट्यूशंस देयर आर सेवरल अदर एस्पेक्ट्स आल्सो व्हिच आर इन्वॉल्वड व्हिच वी विल सी लेटर ऑन एंड एंडेवर्स टू एक्सटेंड लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम टू इनकल्केट and develop responsible attitude, habits, and lasting commitment to Swachhata, be it at home, on the campus, or in wider community. ये जो material है ये मैंने देखा है स्वच्छ कैंपस के रूप में एक booklet develop हुआ है by the Mahatma Gandhi National Center for Rural Education, ये HRD की एक इकाई है जो हैदराबाद में स्थित है और वो जल और स्वच्छता और ग्रीनरी के विषय में उनका अत्यधिक प्रयास चल रहा है कि कैसे हम उच्च शिक्षा के जो भी संस्थान हैं वहाँ परिसर में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, इससे हम लोग जल्द से जल्द उनको उनके एटीट्यूड में हम लोग परिवर्तन लाएं। तो इसमें जो लास्ट के जो 2-3 लाइन है आप उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ।
principles of green institution and endeavors to extend learning beyond the classroom, यानी कक्षाओं से बाहर निकलकर, कक्षाओं में तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कक्षाओं में हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कक्षाओं में हम हिंदी और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन कैंपस हमारा है, कक्षा से बाहर निकलकर जो उच्च शिक्षा व्यक्तित्व सोच में परिवर्तन करेगा वो तो हमें क्लासरूम से बाहर निकलकर देखना है, और वो हमारे अंदर एटीट्यूड हमारा डेवलप करता है, हमारे हैबिट्स में परिवर्तन लाता है, और स्वच्छता के प्रति हम हमारा कमिटमेंट और होना चाहिए, जिससे हम घर में हों, कैंपस में हों और वाइडर कम्युनिटी में एक युवा वर्ग का क्या योगदान हो सकता है। कैंपस में ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थियों के ही योगदान से कैंपस बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, कैंपस में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका भी योगदान है, जो प्रशासनिक लोग हैं उनके लिए भी ये चुनौती है, और एक अच्छे कैंपस में जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो एवरी कैंपस हैज द राइट एज वेल एज ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य दोनों है, हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है, किस चीज का, बेसिक फैसिलिटी, जो न्यूनतम मूल व्यवस्था हमारे संस्थान को चाहिए, नंबर वन देयर मस्ट बी क्लीन एंड फंक्शनल टॉयलेट, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हमें कैंपस में स्वच्छ और फंक्शनल टॉयलेट चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो हमारा भी क्या योगदान होगा इसके विषय में भी सोचना चाहिए, और जहां कुछ कमी है उस कमी को इंगित किया जाना चाहिए, और ये संस्थान का दायित्व है कि कैसे विद्यार्थियों के युवा वर्ग की समस्या को वो सुलझाएगा और उसे जल्द से जल्द पूरा करेगा। इधर पिछले कुछ वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में, विभाग में, छात्रावासों में, कैंपस में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जहाँ पे स्वच्छ जल, सामुदायिक शौचालय, कैंपस को ग्रीन बनाना, पानी पेयजल की उचित व्यवस्था करना, ये सब हम लोग प्रारंभ किए हैं। हमारा कैंपस ओवरऑल सैनिटेशन हाइजीन इनिशिएटिव को सम्मिलित करना चाहिए, किस किस चीज में, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कॉलेज का फिजिकल अपीयरेंस एंड ओवरऑल एम्बियंस शुड बी ग्रीन, क्लीन, देयर शुड बी एडिक्वेट टॉयलेट्स, स्टूडेंट्स टॉयलेट रेशियो, जितने विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से कितने शौचालय उपलब्ध हैं, इसका भी मॉनिटरिंग होना चाहिए और मॉनिटरिंग होगा। जेंडर बैलेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉयलेट्स जो परिसर में है मेल और फीमेल के लिए उचित प्रबंध है कि नहीं है उसके बारे में देखना है, और अभी तो मैंने देखा है पिछले कुछ वर्षों से कि सरकार के पास से भी लोग आए हैं, मैं पटना साइंस कॉलेज में हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में टीम विजिट की है, उन्होंने फिजिकली उसको मॉनिटर किया है कि आपके यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है, पुरुष और महिला शौचालय किस प्रकार का है, कितनी संख्या में है, उनको उचित साफ सफाई उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर फोर, डिजेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, यस, हमारे बहुत ऐसे साथी जो किसी कारण से दे आर डिजेबल्ड, मतलब उनको सीढ़ी चढ़ने में परेशानी हो या उनके साथ और कुछ हो, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए और ये हो रहा है। वाटर टैप्स, सैनिटेशन, प्लम्बिंग, एडिक्वेसी एंड एफिशिएंसी, वेस्ट एफिशिएंट टॉयलेट, कैंटीन हाइजीनिक है कि नहीं है, वहाँ किस प्रकार खाना पीना हो रहा है, वहाँ पे उचित कचरा कैसा है, विद्यार्थियों के लायक वो भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब स्वच्छ कैंपस के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। स्वच्छ कैंपस को बनाने के लिए हमको वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति सजग होना होगा, कंपोस्ट स्ट्रक्चर जो बायोडिग्रेडेबल हैं, हमारे विश्वविद्यालय में जब नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन की तैयारी चल रही थी तो उस समय मैंडेटरी था, और कई जगहों पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उन ऑर्गेनिक वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए वर्मी कंपोस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बने हैं, और वहाँ डिपार्टमेंट के जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको वहाँ डाला जा रहा है, और उसका उद्देश्य तो ये है कि वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो जाए और उससे हमें खाद मिल सके
और उस खाद को हम लोग अपने बागीचों में, फुलवारी में इस्तेमाल कर सकें और उसके मार्फत भी अपने कैंपस को और स्वच्छ बना सकें। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज एज पर द प्रोसीजर्स लेड आउट बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, खास करके जो विज्ञान के हमारे विभाग हैं, बॉटनी, जुअलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री, जहां बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं उनका उचित प्रबंधन होना चाहिए। जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद है उसके कुछ मानक हैं, उस मानक के अनुसार बायोमीथेन प्लांट फॉर वेस्ट वेट वेस्ट, इसके ऊपर भी विश्वविद्यालय के द्वारा ये काम किया जा रहा है कि हमारे कुछ ऐसे कचरे हैं जिससे मीथेन गैस बन सकता है और उस मीथेन गैस को हम लोग ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट में हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है। इनसिनरेटर फॉर हैजार्डस एंड ड्राई वेस्ट, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बिल्कुल नष्ट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पर्यावरण को वो नेगेटिव रूप में न प्रभावित करें। नो प्लास्टिक जोन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हम सबों के लिए। प्लास्टिक के पर्यावरण के संदर्भ में क्या दुष्परिणाम है ये हम सभी जानते हैं। न केवल ये हमारे जो नाले हैं उन पे कचरों को जाम करता है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से हर्ट करता है, जो हमारे जानवर हैं, गाय भैंस, वो प्लास्टिक के अंदर जो हम कचरे बायोवेस्ट फेंक देते हैं उसके सहित वो खा लेते हैं तो उनका भी स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। और न केवल जानवरों के प्रभाव की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं पर्यावरण के संदर्भ में, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तो प्लास्टिक को तो खैर हम लोगों को नो कही देना चाहिए। इसमें मैं तो अपनी बात कहूँगा कि मेरा पूरा प्रयास रहता है, जब मैं सुबह में फल या सब्जी खरीदने जाता हूँ, सो आई डोंट मैंने आई कैरी माय पर्सनल, मैं कपड़े का थैला ले जाता हूँ और जो बाजार में लोग मुझे प्लास्टिक के पॉलिथीन में फल या सब्जी देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, आप मेरे कपड़े के थैला में दीजिए और हम लोग ये कोशिश करें कि ऐसा कुछ किया जाए। समय समय पर बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस पे बातें की हैं लेकिन फिर हमारे व्यवहार में ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो नो प्लास्टिक कंपेन का जो ये है वो थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है। लेकिन हम लोग अपने विश्वविद्यालय कैंपस को नो प्लास्टिक जोन के रूप में घोषित करें। ई वेस्ट टू बी डिपॉजिटेड विद डिजिग्नेटेड कॉन्ट्रैक्टर, ये आज के ज़माने में एक अलग समस्या है। मोबाइल फोन, चार्जर, पेन ड्राइव, हेडफोन, ये कुछ दिनों के बाद जब बर्बाद हो जाता है तो इन इन कचरों का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इन कचरों का हम क्या करें? इन कचरों को सीधा अगर हम कहीं दे देते हैं तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक हैं। उसमें कैडमियम है, उसमें लेड है, उसमें जिंक है, और उसे हम ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं, नष्ट करने का प्रयास करते हैं, जल में फेंक दिया, कहीं किनारे फेंक दिया, तो वो पर्यावरण को, इसीलिए सरकार के द्वारा देर आर डेफिनेट सेंटर्स जिसको हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं और हर मोहल्ले टोले में या कुछ दूरी पे एक कॉमन सर्विस सेंटर है और उन कॉमन सर्विस सेंटर में अगर आप अपने कचरों को ई वेस्ट को जा करके देते हैं तो उनका वो उचित प्रबंधन करते हैं। तो हम जैसे हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं इसको जरूर उसका अनुपालन करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के कंसेप्ट में जब हम स्वच्छ कैंपस की बात करते हैं तो ये जो 3 R है ये आप लोग पढ़ते होंगे शुरू से, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड कंपोस्ट प्लांट। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें उतनी आवश्यक नहीं है लेकिन आदतन हम उसे खरीद लेते हैं।
एक बार इस्तेमाल किया, दो बार इस्तेमाल किया, घर में कचरे की तरह उसको छोड़ दिए। रीयूज, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो थोड़े बहुत उसको अगर हम सर्विसिंग करा लेते हैं तो वो काम लायक बन जाता है, तो हम नई चीजों को क्यों लेंगे, उससे हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। एंड कंपोस्ट प्लान, जो वर्मी कंपोस्टिंग का मैंने बताया, वो तो ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए है। तो अगर हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के कंसेप्ट को और उसके फिलॉसफी को समझते हैं तो उससे क्या होगा, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वेस्ट रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड कंपोस्टेड मैन्युअली। वी शुड स्टार्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर कैंपस, हैजार्डस केमिकल वेस्ट। वी मस्ट एजुकेट द कैंपस कम्युनिटी टू मिनिमाइज द ड्रेन डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स एंड यूज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री के लैब हो या और ऐसे लैब हो जहाँ केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से जो ड्रेन आउट होते हैं मटेरियल, उनका उचित प्रबंधन कैसे किया जाए उस पर विचार करना चाहिए। एंड प्रमोट द यूज ऑफ रीयूजेबल, जो हम रीयूज कर सकते हैं उसके लिए हमें थोड़ा प्रोत्साहन उनको देना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में जल संरक्षण की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर कंजर्वेशन। और हम तो देख ही रहे हैं, आप सभी भी देख ही रहे हैं कि कैसे पानी, ये खास करके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के आधार पर जल किस प्रकार कम होता जा रहा है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। सो इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हाट वी शुड फॉलो, द बेसिक रूल ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज दैट रनिंग रेन वाटर शुड बी मेड टू वॉक, वॉकिंग वाटर टू स्टैंड, स्टैंडिंग वाटर टू सीप इन टू द ग्राउंड। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम लोग बात करते हैं, वर्षा के जल के संचयन की जो बात करते हैं, ये हर महाविद्यालय और हर विश्वविद्यालय परिसर में हो रही है, हम लोगों ने भी अपने कैंपस में किया है। वर्षा का जल ऐसे ही बर्बाद न हो जाए, उससे जो भूमिगत जल है उसका संचयन हो और उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सके। तो वाटर के क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों के विषय में हम लोगों को सोचना है। मैनेज वाटर, जल का प्रबंधन हम लोगों को देखना है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब जो पानी हम ऐसे ही नदियों में डाल दे रहे हैं या बर्बाद कर दे हैं, उसको हम ट्रीटमेंट करके उसका फिर से रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। ग्रीनरी, जो हरित वसुंधरा की बात हम लोग करते हैं, हरित कैंपस की बात करते हैं, और बिहार सरकार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप जानते भी होंगे कि जल जीवन हरियाली पे बहुत गंभीरता से बात हो रही है। और कोरोना में तो कॉलेज वगैरह अभी बंद रहा, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जल जीवन हरियाली का प्रति महीने पहले मंगलवार को विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और हम लोग, चाहे वो जल प्रबंधन हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इस पे हम सेमिनार करते हैं या फिजिकली भी स्टूडेंट्स को लगाते हैं और बातों को सीखते समझते हैं। ग्रीनरी में हमारा कॉलेज कैंपस में नर्सरी हो तो अच्छा है, सीड बैंक हम जनरेट करें, वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट रहे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग और ध्यान दें, वो स्वास्थ्यवर्धक भी है। ऊर्जा का संरक्षण, अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, दैट ऊर्जा के संरक्षण में कैंपसेज ऑफ हायर एजुकेशन नीड टू वर्क ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये तो देखिए एक आदतन भी होता है, हम कहीं बैठे नहीं हैं लेकिन पंखा चल रहा है और हम वहां से चले गए, पंखा घंटों चलता रहा। कई बार हमने देखा है क्लासेज में स्टूडेंट्स नहीं है, क्लास भी नहीं हो रहा है, लेकिन चार चार पांच पांच पंखे चल रहे हैं। नो, वी शुड डेफिनेटली डेवलप आवर एटीट्यूड, बिजली की आवश्यकता हो तो हम बिजली जलाएं, अन्यथा हमारा दायित्व हो कि हम उसको बंद करें। एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्लोगन है कि थिंक लोकल बट एक्ट, थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। अगर हम पूरे पृथ्वी के भी संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, तो हम एक्ट लोकल, एक कदम हमारा लिया हुआ, एक पंखे को हमारा बंद कर देना जहां आवश्यक नहीं है, वो हमारी कहीं ना कहीं से ऊर्जा का संरक्षण करता है।
there is need to utilize best quality energy for best use. बेस्ट क्वालिटी एनर्जी का मतलब हो गया जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से उचित हो, और सोलर पावर, आजकल सोलर पावर में क्योंकि वहाँ पे उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है. तो वी शुड यूटिलाइज एंड प्रमोट द यूज ऑफ सोलर ड्राइंग एंड सोलर हीटिंग कैपेसिटी इन द इंस्टीट्यूशंस. और ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग पढ़ते होंगे हमेशा अखबारों में भी, मीडिया में भी, कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट को हमें रिड्यूस करना है. तो कार्बन फुटप्रिंट का ये कंसेप्ट क्या है, देखिए पहला जो लाइन लिखा हुआ है, कार्बन फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इवेंट और ए प्रोडक्ट और इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कार्बन डाइऑक्साइड, आप चाहे कोई इवेंट करें, कोई संस्थान हो, कोई प्रोडक्ट बनाएं, या आपका कोई आचरण हो, आपके आचरण में अगर मैं कहूं कि मैं ऐसी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूं जो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो उस गाड़ी को इस्तेमाल करने से मैं जिम्मेवार हूं और मैं कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहा हूं. कोई संस्थान है जो ऐसे फैक्ट्री है जिनका प्रबंधन होना चाहिए था, वो प्रबंधन नहीं करके वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, तो दैट इज द कार्बन फुटप्रिंट इज बीइंग इंक्रीज. तो ये इंक्रीज नहीं करना है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है. तो ध्यान देना है कि कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कार्बन फुटप्रिंट के लिए हैं. हमारे प्रोक्योरमेंट, क्या हम अपने पास रखना चाहते हैं, क्या हम खरीदना चाहते हैं, उसमें कार्बन एमिटेड कितना रहा है. आजकल तो जो भी आप लेंगे देश विदेश के सामानों में आप देखेंगे जैसे मोहर लगा रहता है, ISI लगा रहता है, एक्सपायरी डेट दिया रहता है. उसमें अब ये भी मैंडेटरी हो रहा है कि उस चीज को बनाने में कितने कार्बन का उत्सर्जन हुआ. तो लोगों में ये चेतना जागृत होनी है कि जिसमें ज्यादा हुआ उस चीज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. तब फिर कॉम्पिटिशन बनेगा. कॉम्पिटिशन होगा तो कंपनीज भी अपने प्रोसेस में ऐसी चीजों को बनाएंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी लगाएंगे कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके. एनर्जी को कम यूज करना, वेस्ट जनरेशन कम होना, और हमारे क्या एक्शंस हैं उसके लिए भी कार्बन फुटप्रिंट हम अपने एक्शन से भी कम कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी एक गाड़ी का उदाहरण दिया. स्वच्छ कैंपस और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्वच्छता के, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, हम लोग मनाते भी हैं, और इसके मनाने का उद्देश्य ये है कि हम उसके बारे में जाने और हमारी चेतना जागृत हो. जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं. वेटलैंड, आर्द्र भूमि. बड़ी तेजी से जो आर्द्र भूमि है वो या तो खेती में परिवर्तित किया जा रहा है, या उस आर्द्र भूमि पे शहर और रिहायशी इलाके बसाए जा रहे हैं. और उससे क्या हो रहा है कि वो आर्द्र भूमि जो पानी के संरक्षण में, भूमिगत जल के सींचने में काम आता था, वो नष्ट हो रहा है और हम भूमिगत जल को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं. तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस तरह के जो कुछ तिथि है उसको मनाते हैं तो विद्यार्थियों में चेतना जागृत होती है, जो स्टाफ है वो भी चीजों को समझते हैं. 22 मार्च को आप वर्ल्ड वाटर डे मना सकते हैं और हम लोग मनाते भी हैं. 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाते हैं. जून 5 को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं. जुलाई 3 अभी बीत गया, नो प्लास्टिक डे. अभी आने वाला 11th of July इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. पॉपुलेशन को भी समझना जरूरी है क्योंकि समटाइम्स देर आर वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जब हम नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं कि संसाधन कम है और आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो संसाधन के ऊपर वो ज्यादा हावी हो जाएगा, तो फिर तो ग्रीनरी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये सब लोगों को प्रभावित होना ही होना है. इसीलिए हम लोगों को अपने देश, अपने शहर, अपने राज्य, इस आबादी पॉपुलेशन कंट्रोल के विषय में भी, खास करके भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ पे हमारी आबादी कुछ अधिक है, उसके बारे में भी चेतना जागृत होनी चाहिए. वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो हमारे विरासत हैं
इनको हम कैसे संरक्षित रखें। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19, अभी हम लोग ओपन डेफिकेशन की बात कर रहे थे। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे दिसंबर 2, वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5। तो इस तरह से कुछ ऐसी तिथियां हैं जहां हम स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के ऊपर हम कुछ अपनी एक्टिविटी करके हम समाज में और अपने कैंपस में भी जागृति पैदा कर सकते हैं। तो स्वच्छ भारत जो कैंपस के बारे में है वो एक राष्ट्रीय हमारी कामना है, दैट वी हैव एन एस्पिरेशन ऑफ इंडिया बीइंग क्लीन एंड सेफ इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट बाय एडहेरिंग टू प्रूवन मेथड्स ऑफ वेस्ट हैंडलिंग विल गो ए लॉन्ग वे इन रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ स्वच्छ इंडिया। वी एस्पायर दैट एवरी कैंपस विल हैव ए स्वच्छ पॉलिसी इन प्लेस एंड विल स्ट्राइव टू फॉलो दिस प्लान henceforth. तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल सर। मैं गुड मॉर्निंग सर, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ACC वाला। हम अभी हैं लाइब्रेरी में आए हुए हैं, वहीं से चल रहा है, तो आपसे आपसे बात कर लिए, मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा। ओके तो ये जो प्रेजेंटेशन था, इस प्रेजेंटेशन में मैंने महात्मा गांधी सेंटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जो हैदराबाद में है, भारत सरकार के शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से संचालित है, उन लोगों ने स्वच्छ कैंपस के ऊपर कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जल संरक्षण के विषय में भी उन लोगों ने गाइडलाइंस दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। आप सभी भी उनके वेबसाइट पे जाएं और उन चीज़ों को देखें, समझें। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट आई विल बी प्रेजेंटिंग माय कॉन्सेप्ट ऑन स्वच्छ भारत अभियान इन 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। सो द फर्स्ट 2 सेगमेंट इज ओवर एंड नाउ अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, हाउ वी कैन अप्रोच एंड टेक पार्ट इन द स्वच्छ भारत मिशन। तो उसका जैसा मैंने बताया था कि एक उन्नत भारत अभियान भी उद्देश्य है, और उन्नत भारत अभियान में कैंपस टू कम्युनिटी, कैसे हम कैंपस के विद्यार्थीगण, शिक्षकगण समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का स्वच्छता और बाकी चीज़ों में कर सकते हैं। सो नाउ आई विश टू प्रेजेंट द लास्ट सेगमेंट, दैट इज उन्नत भारत अभियान में कैसे युवा वर्ग सम्मिलित हो सकता है। ये जो स्लाइड है, ये हमारा स्लाइड बना हुआ है जब मैं NSS का कोऑर्डिनेटर भी था, और अभी 2 दिनों पहले मैंने NSS के कोऑर्डिनेटर का पदभार मगध महिला कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुहेली जी के जिम्मे दिया गया है। सो नाउ शी इज़ दी कोऑर्डिनेटर। तो ये पहले का स्लाइड है, इसीलिए इसमें ये कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है। उन्नत भारत अभियान 2.0 यानी उन्नत भारत अभियान 1 भी प्रारंभ किया गया था, लेकिन उन्नत भारत अभियान 1 जब प्रारंभ हुआ तो उसमें जो केवल तकनीकी संस्थान है, खास करके चेंज कर लीजिए उसको, प्लीज बियर विथ मी, देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड, सो विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स वी विल रेक्टिफाई। अगर माउस से आप चेंज कर सकें तो उसे भी कर सकते हैं।
इसको एक बार निकाल लीजिए, नहीं तो ये वाला देखिए पोर्ट इसका है कि दूसरे किसी का लग रहा है। हाँ तो इसको लगा लीजिए। आप माउस सेव कर लीजिए, उसको आप चेंज कर लीजिए। दो चार ही हेलो, एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर, साउंड आ रही है। Am I audible now? It seems. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. The camera and audio, both the things are working fine now. Are you able to see this slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, okay. sir. So as I was talking about that, the students of our university. They were given a task to adopt five different villages in the district of Patna. So we have selected five districts with the help of district administration. Next slide. The yellow pins, as you can see, these were the villages adopted. And in the upper right hand corner, you can see
that Danapur, Dhibra, in Maner, Chitnava, Patna Sadar, Dhaulpura, Pulwari Sharif, Saim Chak, and Sampat Chak in Bahuwara. So basically, the students visited Sampat Chak Bahuwara village 3-4 times, and they have gained a lot with interaction with the villagers. Next slide. The initiative for the Unnat Bharat Abhiyan was that we had some advisory, postgraduate departments and colleges, interaction with the National Council of Rural Institute, Hyderabad, and the concept of UBA under CBCS curriculum, skill enhancement and ability enhancement, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं, उससे university को जोड़ने की बात हम लोगों ने की थी. Next slide. हम लोगों का ये उद्देश्य था कि हम लोग कुछ कार्यालय कार्यशाला करें और यूबीए की एक्टिविटीज को स्टूडेंट्स के साथ बताएं, लेकिन कोरोना के कारण कुछ उसमें डिस्टरबेंस हुआ. लेट्स सी व्हेन दिस पैंडेमिक इज ओवर अगेन वी विल बी डूइंग दीज एक्टिविटीज. नेक्स्ट. हाँ, यहाँ से मुख्य रूप से हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कि जब हम किसी विलेज में स्वच्छ भारत अभियान की बात हो या विलेज डेवलपमेंट की बात हो, तो हम लोग जिसमें प्रैक्टिकली जब इन्वॉल्व होते हैं, सो वी डू सोशल मैपिंग. वी विजिट द विलेज एंड सोशल मैपिंग. सोशल मैपिंग मीन्स सपोज इफ वी हैव विजिटेड द बहुवारा ऑफ संपत्य, तो सोशल मैपिंग का मतलब वहां पर आय के अनुसार कैसी आबादी है, एज ग्रुप के अनुसार क्या है, जेंडर के अनुसार क्या है, वहां के एक जनरल मैपिंग करते हैं. रिसोर्स मैपिंग, उस गाँव में संसाधन क्या क्या है, प्राकृतिक रूप से वहाँ क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है. प्राकृतिक संसाधन में जल को भी एक हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं. वहाँ पे अगर कोई जंगल है तो जंगल भी हमारा वो प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, तो उसका हम उसकी जानकारी हम लोग लेंगे, उसी को मैपिंग लिखा हुआ है. मोबिलिटी मैपिंग. मोबिलिटी मैपिंग मतलब अगर किसी गाँव के बारे में हम विचार कर रहे हैं, तो उस गाँव के कितने लोग, युवा वर्ग हो या दूसरे लोग हों, अपने गाँव से निकल कर रोजगार के लिए जाते हैं. वो सालाना आधार पे भी हो सकता है और वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, उसका मैपिंग करना. क्योंकि बिहार में माइग्रेशन का जो कंसेप्ट है, आप सभी जानते ही होंगे, कई ऐसे गांव हैं जिसमें मोर देन 80% ऑफ द यूथ दे हैव माइग्रेटेड टू पंजाब और चंडीगढ़ और दिल्ली और पुणे और मुंबई, तो उसका एक मैपिंग और जानकारी होना चाहिए. सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज मैपिंग, उस गाँव में क्या क्या संसाधन उपलब्ध है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटी वहां है, भले ही हम कुछ वहां अभी तक कर नहीं पाए हों. और उसके लिए एक ट्रांजेक्ट लेना पड़ता है. ट्रांजेक्ट लेने का मतलब द ग्रुप विल बी विजिटिंग द विलेज, दे विल ऑब्जर्व ऑल दोज अबव मेंशन पॉइंट्स एंड दे विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग, सम फीलिंग अबाउट द विलेज. अब जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, अगर उसको साइंस कॉलेज के बारे में जानना हो, तो साइंस कॉलेज का अगर वो एक ट्रांजेक्ट ले लेता है, एक बार भ्रमण कर लेता है, तो उसको मालूम हो जाता है कि साइंस कॉलेज की बिल्डिंग्स कैसे हैं, कहाँ है, कौन डिपार्टमेंट कहाँ पे है, कोई संसाधन वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है. तो ये कुछ एक्टिविटीज स्टूडेंट्स करते हैं डायरेक्ट जब हम विलेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं. तो नेक्स्ट. हाँ, ये देखिए कुछ फील्ड फोटोग्राफ्स हम लोगों ने इकट्ठित किए हैं. दिस बॉय हु इज नोटिंग डाउन दी डेटा, कलेक्टिंग द डेटा, ही इज इंटरैक्टिंग विद द फीमेल्स ऑफ द बहुवारा विलेज इन संपत्यक एंड ही इज गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देन सोशल मैपिंग, माइग्रेशन ऑफ द मेल पॉपुलेशन फ्रॉम द फैमिली. और इन चीजों को डेटा इकट्ठा करके हम उस गाँव की जो एक पृष्ठभूमि है उसको जान पाते हैं. नेक्स्ट. This group, these group of students, they are visiting and door to door campaign they are doing related to Swachh Bharat Mission और स्वच्छता के बारे में गाँव को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं कि स्वच्छ जल, स्वच्छ daily hand washing and other things to make you healthy. Next. कुछ materials जो develop करते हैं हम लोग स्वच्छता के विषय में, they have distributed. अगर वो पढ़ने के लोग हैं, पढ़ने योग्य साक्षर हैं, तो उसमें चीजों को बताने के बाद हम उनको लीफलेट्स देते हैं. जो नहीं पढ़ पाते हैं, उस लीफलेट्स में कुछ कार्टून के द्वारा भी हमारे मैसेज दिए रहते हैं, और इसमें भी स्वास्थ्य और पर्यावरण और स्वच्छता के विषय में
direct involvement and action with the villagers. Next. And some of our students, they have visited and interacted with the kids in the villages. Ye gaon ka prathmik school hai, wahan bhi swachhata ke vishay mein chote bachchon ko bhi protsahan aur prerit karne ka kaam kiya gaya. To uske bare mein ye yahan par activities hai. So with this, this is the general outline of the Unnat Bharat Abhiyan, which focuses on development of villages, where the Swachhata and Swachh Bharat Abhiyan is one component. So yahan thank you likha hua hai. It means this is the last slide of my presentation. And with this, I thank you all my young students, young friends, that you have very patiently, you have gone through my presentation. And I believe कि मेरा ये एक घंटे डेढ़ घंटे का जो आपके साथ एक इंटरेक्शन है शायद स्वच्छ भारत अभियान के विषय में सोचने के लिए और समझने के लिए आपको प्रेरित करेगा. ऑनलाइन में बहुत बार इंटरेक्शन के प्रश्न और जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन हम एक दो प्रश्न आपसे सुन सकते हैं और अगर देखेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेशन में कोई परेशानी नहीं हो सकती है तो हम लोग 10 to 15 minutes we can go in for the question and answer session of Swachh Bharat Abhiyan. Aap free hain, aap chahein to aap koi sawal puch sakte hain, apne observations aap de sakte hain, aur aapka agar koi anubhav hai is kshetr mein to usko bhi aap hum logon tak share kar sakte hain, hum logon ko bahut khushi hogi. थैंक यू सर. हाँ थैंक यू. यशस्वी कुमारी आप कुछ बोल रही हैं, लेकिन केवल थैंक यू नहीं, अगर आपको कुछ और पूछना हो या कुछ कहना हो, अपनी बात को रखना हो तो आप रख सकती हैं. ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन और नो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, देन आई एम ending my presentation. Thank you all once again, and I believe that whatever we have discussed, it is not only that we are learning these things for the examination purpose AECC 1, but also to contribute to the society in one way or the other. Thank you all of you. Thank you, and my best wishes to young students, young friends. Thank you all of you. Thank you, sir. 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 Yes, sir.